एक औरत ने मंदिर में अपने पति के लिए मन्नत का धागा बांधा, फिर कुछ सोच समझ के एकदम धागा वापस खोल दिया। पति ने पूछा, धागा क्यों खोल दिया? पत्नी बोली, आपके लिए मन्नत मांगी थी कि आपकी सारी मुसीबतें दूर हो जाए। फिर ख्याल आया, कहीं नई ननी बन जाऊं। पप्पू एक सत्संग में गया और पिटकर वापस आया। मित्र ने पूछा, अरे भाई ये कैसे हुआ? पप्पू, बिना कसूर के पिट गया। दिया महाराज प्रवचन कर रहे थे, पति पत्नी एक ही साइकिल के दो पहिए होते हैं। मैंने खड़े होकर पूछ लिया, अगर पड़ोसन को मिलाकर रिक्शा बना लिया जाए तो कोई एतराज तो नहीं? एक आदमी पहाड़ी के रास्ते से जा रहा था, अचानक उसको एक आवाज आई, रुको। वो रुक गया। जैसे ही वो रुका, उसके सामने से एक बड़ी चट्टान गिरी। वो उस आवाज का शुक्रिया करके आगे बढ़ा। कुछ दिन बाद वो आदमी फिर कहीं जा रहा था, फिर वही आवाज आई, रुको। वो रुक गया। तभी उसके बगल से एक बड़ी तेजी से कार गुजरी। उसने फिर आवाज शुक्रिया अदा किया और पूछा, आप कौन है भाई जो बार बार मेरी जान बचा रहे हैं? आवाज आई, हिफाजत करने वाला फरिश्ता है। रोते हुए पूछा, शादी के वक्त आप कहाँ थे? जवाब आया, आवाज तो उस वक्त भी लगाई थी जब तू डीजे बजवा रहा था। अब तो डीजे बजवा ले या आवाज सुन ले।